गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 23 और 24। दीज आर प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस एंड प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स ओके। तो 23 हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडियन मॉन्यूमेंट्स आर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर ब्यूटी एंड मैग्निफिसेंस। Each Indian monument is a remarkably splendid sample of unbelievable artistry। मतलब बहुत ही ये यूनिक, बहुत ही मतलब शानदार जो है ये रिमार्क करने लायक, मतलब देखने लायक कह लीजिए है। दे आर सेंचुरीज ओल्ड एंड हैव बीन एग्जाम्पल्स ऑफ फिलासफीज इन द वर्ल्ड। ये कई सौ साल पुरानी हैं ये सब, और एक बहुत वो उसका दर्शन शास्त्र का जो है ये बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। रीड द क्लूज अबाउट सम वेल नोन मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स गिवन। नीचे लिखे खाली जगह पर उनको, उनका नाम आप लिखिए। इट इज़ अ फेमस टेम्पल ऑफ मदुराई लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द वैगाई रिवर। तो ये जो है बहुत मदुराई में है टेम्पल, और ये वैगाई नदी के किनारे पे है। तो इट इज मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। देखिए इसका फोटो दिया है वन पे, फर्स्ट पे, और सेकंड देखिए। दिस टॉम्ब बिल्ट इन 1570 वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहला जो है ये गार्डन टॉम्ब था, ये 1570 में बनाया गया था, ठीक है, और इंडियन सब ने भारतीय उपमहाद्वीप में। इट वॉज हुमायूंस टॉम्ब। एंड थर्ड, दीज केव्स आर अ नेटवर्क ऑफ स्क्रिप्टेड केव्स लोकेटेड ऑन गौरापारी इन मुंबई हार्बर, ठीक है। तो ये केव्स आर नेटवर्क ऑफ स्क्रिप्टेड केव्स, मतलब स्क्रिप्टेड क्रेप्स का ये जो है नेटवर्क है, लोकेटेड ऑन गौरापारी, ये गौरापारी पे जो है लोकेटेड है इन मुंबई हार्बर, मुंबई हार्बर में। तो इट इज़ एलिफेंटा केव्स। फोर्थ, दिस टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड अमंग द रूइंस एट हम्पी। ये जो है हम्पी के खंडहरों में ये मंदिर है, ठीक है, और दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड शिव। ये टेम्पल जो है गॉड शिव, शिव जी के को समर्पित है, इट इन विरूपक्ष टेम्पल। फिफ्थ, दिस मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1591 बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 1591 में ये बनाया गया था, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, एंड इट इज़ चार मीनार। एंड सिक्स इज, इट इज़ कंसीव्ड एज गाइगेंटिक सोलर चैरियट विथ 12 पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स ड्रैग्ड बाय 7 रियरिंग हॉर्सेज, ठीक है। ये 7 घोड़ों का एक वो रथ है जिसको वो खींचता हुआ फोटो उसमें है, बनाया गया है। इट इज़ कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। देखिए इन्हें कि हु बिल्ट एंसर द एंड गेट स्टार में हु बिल्ट द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट हवा महल, ही सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, और हेल्प है इसी में से हम लोगों ने इसको फिल किया है। और नॉलेज बिट्स में देखिए, गोल गुंबज लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटक इज ओनली टेम्प इन द इंडिया विच हैज हॉलो वॉल्स। उसकी दीवारें जो है हॉलो हैं, खोखली हैं। नेक्स्ट, द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज इट इज हियर वेयर एम्परर अशोक गेव अप हिज वायलेंट लाइफ एंड टर्न टू बुद्धिज्म। यही वह जगह है जहाँ पर महात्मा वो सम्राट अशोक ने वो अपने मारपीट मार काट का ये सब कार्यक्रम छोड़कर और बुद्धिज्म को उन्होंने प्राप्त किया, एडॉप्ट किया। नाउ प्रोवर्ब्स, कहावतें हैं। अ प्रोवर्ब इज ए सिंपल एंड कॉन्क्रीट सेइंग पॉपुलरली नोन
and repeated, which expresses the truth based on common sense or experience. ठीक है, मतलब बहुत common sense और experience पे लिखा गया जो ये सब बातें होती हैं. And explanation or meanings of some common proverbs are given below. ये नीचे दी गई हैं. Write a suitable proverb for it. उसके लिए suitable proverb लिखिए. देखिए ये भी help में दिया गया है. If you come to visit too often, your host will be less pleased. यदि आप अक्सर आते रहेंगे तो अपने किसी मेज़बान के पास में, तो वो जो है कुछ दिनों में कम खुश होगा. इसको यदि प्रोवर्ब ने, ए कांस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम्ड. सेकेंड, अ रियल फ्रेंड विल टेल यू द ट्रूथ. अ फ्रेंड्स आई इज अ गुड मिरर. दोस्त की जो आँख है बहुत अच्छा दर्पण है, वो सही सही बोल देगा. और इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ बैड आर अनप्लीजेंट पर्सन टू बिकम गुड आर प्लीजेंट. यदि वो बुरा है या अनप्लीजेंट है, दुखी आत्मा है, तो वो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो अच्छा बन जाएगा. अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट. ठीक है. फोर्थ, रियली वेल्दी पीपल डू नॉट टॉक अबाउट मनी. वो पैसे की बात नहीं करते जो वास्तव में धनी है. तो अ लोडेड वैगन मेक नो नॉइज. ठीक है, लोडेड वैगन मेक नो नॉइज. फिफ्थ, टेलिंग वन लाई विल लीड यू टू टेल अनदर वन. अ लाई बिगेट्स अ लाई. कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. तो अ लाई बिगेट्स अ लाई. सिक्स्थ, इट इज ईजियर टू डील विथ अ प्रॉब्लम वेन यू डिस्कस इट विथ समवन. यदि आप अपनी समस्याओं का किसी से डिस्कस करते हैं तो वो और ईजी हो जाता है. तो अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हार्ड. उसको आपने आधा कर दिया, आपने प्रॉब्लम यदि शेयर किया तो. देखिए, नो मैटर हाउ समवन ड्रेसेज, इट्स द सेम पर्सन अंडरनीथ. ये नहीं कि कोई मतलब नहीं कि चाहे आप कितना भी सुंदर कपड़ा कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन अंदर से तो आप वही हैं. इसका क्या है, अ मंकी इन ए सिल्क इज ए मंकी नो लेस. उसको बंदर को जो है सिल्क का कपड़ा बना दीजिए, लेकिन अंदर तो वो बंदर ही है. एंड एट्थ, अ हिंट आर अ सबटिल सिग्नल इज एनफ टू कन्वे मीनिंग टू समवन हु इज रेडी टू अंडरस्टैंड. A nod is as good as a wink. ठीक है, A nod is as good as a wink. देखिए एक इसमें क्वेश्चन है. कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. समय पर किया गया सिलाई जो है मतलब सेव्स नाइन, 9 बचाता है. मतलब ये कि समय से किया हुआ कार्य जो है बहुत फायदेमंद रहता है. चलिए, इट इज ओवर नाउ.